फूड एंड केयर ब्लॉग्स और आज मैं आई हूँ एग्जीबिशन जो कि हैंडीक्राफ्ट्स की है, खादी ग्राम उद्योग की तरफ से है। और इस एग्जीबिशन में मैं आप लोगों को लेके आई हूँ और मैं दिखाना चाहूँगी यहाँ पर बहुत तरह की वैरायटीज़ खादी में हैं। ये जो आप सामने स्टॉल देख रहे हैं ये ग्राम सेवा संस्थान की तरफ से है। यहाँ पर ये सब हैंडीक्राफ्ट्स हैं, यहाँ पर जो भी सामान हमें दिख रहा है ये सब जो आपको साड़ियाँ और ये सब मटेरियल दिख रहा है ये सब रॉ इस सिल्क में भी हैं, खादी में भी हैं। सिल्क और खादी के ही कपड़े हैं मोस्टली यहाँ पर। और ये साड़ियाँ देखिए कितनी सुंदर सुंदर साड़ियों के प्रिंट हैं यहाँ पर। और ये देखिए अलग अलग डिज़ाइन में अलग अलग कलर्स में साड़ी कुर्ता, ये जेंट्स कुर्ता है, ये भी खादी पर है। और ये अब हम देखेंगे हैंडबैग्स हैं, ये भी हैंडमेड हैं सारे हाथ से बनाए हुए। ये जो प्रदर्शनी यहाँ पे एग्जीबिशन लगी हुई है इसमें मोस्टली हाथ से बने हुए हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह दिखाए जा रहे हैं। और ये देखिए बैग है, हैंडबैग्स हैं तरह तरह के डिज़ाइन में। ये जो स्टॉल पे हमें दिख रही हैं ये सब सिल्क साड़ीज़ हैं, काफ़ी सिल्क की वैरायटी है यहाँ पर और अच्छी सिल्क है, हल्की है सिल्क, अच्छी है। ये जो नीचे दिख रहे हैं ये सब कपड़े जो ये खादी है सारा, और जिसमें मटेरियल खादी के लिए कुर्ता शर्ट ये सब स्टॉल्स हैं। ये रॉ ये सिल्क है, ये भी सिल्क है। ये मूंग बड़ी है मैडम, मूंग बड़ी हाँ मूंग बड़ी है हाँ। ये अच्छा ये चार है राजस्थान वाले, राजस्थान के बिल्कुल। ये है मट्ठे की मिर्च का विदाउट ऑयल का अचार। ये मार सिल्ला पटे की चटनी, अच्छा असल बटी हाँ आज से बटी हुई है, स्वाद से भरा है कूट कूट के आप लोगों के लिए। अच्छा। ये पापड़ है उड़द दाल के। अच्छा आप लोग भी राजस्थान से हैं क्या? बिल्कुल राजस्थान से। अच्छा बताइए कुछ वहाँ का और कुछ खासियत बताइए। सब चीज यहाँ पे दुकान में लगी है मैडम, वहाँ पे सब खासियत है, पापड़ है, बड़ी है, अचार है। कौन से आपके? देखो ये अखेर सांगरी का मारवाड़ है, सबसे नंबर वन है। अच्छा ठीक है, ये लो और दिखाइए। और ये आम का अचार है, बहुत फेमस है आप लोगों के लिए। ठीक, ये केयर का अचार है मैडम। वो क्या होता है, खट्टा खट्टा जो होता है? हाँ आपको पता है, आप लोगों ने खाया हुआ है। बिल्कुल खाया हुआ। ये मिक्स में अचार है मैडम। अच्छा ठीक। ये गजक है मैडम, देसी गुड़, देसी मूंगफली, देसी घी में बनी हुई है गजक। ये तिल वाली गजक है, देसी तिल खेतों में होते हैं, और मेवा है, और घी में और काजू पिस्ता बादाम कूट कूट के भरा। ये देखो आपके सामने कोई पापड़ बढ़िया चटपटा वाला बताइएगा। ये लो मैडम चटपटा पापड़, चना चना नहीं बिल्कुल उड़द वाला, कोई पापड़ उड़द दाल वाला। ये लो ये है, बहुत अच्छी बात है। ये लो मार्केट के सामने चटपटा होगा ये। हाँ बिल्कुल। ये क्या है सब? ये गजक है, देसी गुड़, देसी मूंगफली, देसी घी में बनी हुई चटनी। Thank you.
से आपको नमकीन सात सौ चाहिए ये वाले कौन से चने की दाल के पापड़ है? हाँ मैडम चने की दाल का ये देसी चना सर ये चना खाली है ना मुंह दो और पांच दस चने खाओ वो दो लीटर पानी की मांग करेगा वो शरीर में मजबूती और आंखों की रोशनी ये हींग कैसी दिए भैया हींग हींग पचास रुपए की है डब्बी मैडम बहुत अच्छी चीज है पड़ोस जब पता चलेगा आज मैडम के घर पार्टी चली है क्या पार्टी है अच्छी क्या? है स्मेल बहुत अच्छी है तेज है ले ले किंग का दे दीजिए किंग कितना एक दे दीजिए आ जाओ आ गया हाँ सर आपका कितना ये पापड़ मेरा तो सब वहीं से भाभी लाती है लहसुन की चटनी ये रही और ये कौन सी कैंडी है कौन सी है ये पान की है पान की है कंपट हाँ कंपट है पान का है ये मैडम बीकानेरी भुजिया बहुत अच्छा चलता है बीकानेर का हाथ से बना हुआ है यहाँ पे बेसन का बनता है हाँ। वो भी मशीनों के द्वारा हाँ। हमारे हाथों का मैं खुद कारीगर हूँ इस चीज का मैडम अच्छा आप मैं कारीगर हूँ इस चीज का ये 80 रुपए का पैकेट चटपटी है हाँ चटपटी वाली है हाँ मजेदार टेस्ट करो देखो टेस्ट करो तुम आप भी टेस्ट करो मैडम एक मिनट आपकी चीजें हम पहले दिखा दें सबको आप टेस्ट करो क्या मजेदार है ना अच्छी यही चीज का है एक आलू भुजिया दी है एक भुजिया दीजिए ये दो पैकेट कर दो ये नहीं ये 80 रुपए का पैकेट है वही वाली दो बस चटपटी वाली अरे मैडम हाथ की बनी है ये इस किस्म ये पुदीना के स्वाद में है मैडम अच्छा देखो तुम टेस्ट करके आप भी करो साथ साथ पुदीने की अच्छी है एक आलू भुजिया एक पुदीना वाला आलू भुजिया का दे दूं एक ये पुदीना वाला और देसी चना सर दे दीजिए ये भी टेस्ट करो मैडम देसी चना टेस्ट करो लाइए ऐसे दिखाइए देसी चना हाँ बहुत अच्छा ये रहा सब दिखा रहे हैं ना ये हींग भी रख लीजिए चना रहने दो चाय भुजिया ले लो चना रहने दी भैया ये खड़क सिंह भुजिया खड़क सिंह में खड़क से खुलती है खिड़कियाँ मैडम कानों की खिड़कियाँ खुल जाओगी सेव जैसे होते हैं दे दो भाई दे दो नहीं वही लो बस भुजिया लो मैं अरे ले ली बस मैडम ये कैसा है ये टेस्टी है हाँ टेस्टी तो है मालूम है अरे इससे तो ये ले लो मूंगफली हाँ मूंगफली का वही है टेस्ट करो हाँ मूंगफली का ये नहीं नहीं ये वाला लो अरे फर्क क्या वही है मैडम ये लो नीचे गिरा दिया देखो हाँ उतार है ये लो वो गलत बात देखो हमारा अरे आपका कुछ वो नहीं होगा हम आपका पॉपुलर कर रहे हैं और दिखा के लोगों को कोई बात नहीं दिखाओ और लोग आएंगे और लोग आएंगे आपका फायदा होगा हाँ जरूर मैडम आप दिखाओगे तो बहुत अच्छी बात है परसों तक हाँ जी पापड़ टेस्ट कर लेते नहीं होगा तो फिर पापड़ और पापड़ पापड़ घर पे भूल के आप लोग सुनते हैं ये लो सर आज मैं कार्यक्रम शास्त्री गणेश करा रहा हूँ अभी हम आगे बढ़ते हैं और इस स्टॉल पे हम देखते हैं कि यहाँ पर सब मिट्टी के बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने बर्तन लगाए हुए हैं ये सब कुल्हड़ हैं चाय के अलग अलग डिज़ाइन में और ये जो मिट्टी के बर्तन हम देख ये देखिए कप कितने सुंदर कप हैं ये डिज़ाइन के कुल्हड़ हैं ये कुछ ग्लास शेप में इसकी बताइए कुछ कुकर के बारे मिट्टी का कुकर है 3 लीटर का डेढ़ लीटर है 3 लीटर का सीटी भी है इसमें ना सीटी भी है
जेसीटी लगी हुई है, मिट्टी का गुंबद है, यहाँ से खुलता है इसका उल्टा दो, यहाँ से ओपन होता है। 160 के 6 है, 160 के 6 ऊपर से इसको खोलना पड़ेगा। हाँ, ऊपर से खुलता है। और क्या चीज है जिसमें कढ़ाई कह रहे थे? एक ये ले लेते हैं, कढ़ाई ले लेते हैं, रोटी का तवा, तवा है। ये धुलता है, ऐसे धुलेगा ये? हाँ, पानी साफ हो जाएगा। भाई इसको निकालना तो नहीं पड़ता है? नहीं, निकालना नहीं पड़ेगा, ऐसे मिलेगा स्टैंड के साथ। आपका थाली के साथ होगा? कढ़ाई एक ले लो बनाने के लिए, कढ़ाई एक ये दे दीजिए, कढ़ाई ले, कढ़ाई में बस सब सॉल्व हो जाएगा। कढ़ाई ये वाली है अम्मा, ये साइज सही है उसका, ढकने पे बहुत कम कह रही है। नहीं, बड़ी वाली ले लो, इससे बड़ी कढ़ाई नहीं है, इसका ढक्कन अच्छा नहीं बन पाएगा। हाँ, ये वाली मिल जाएगी आपको। अरे मटकी ले लो ना, ये जो मटकी है, हांडी मिल जाएगी आपको। हांडी, हांडी ले सकते हैं। हांडी 5 लीटर, 3 लीटर की है हांडी, 3 लीटर हांडी तो सही है। ये देखिए, ये 550 की भैया जी, इसका दाम बताओ। ये 240 का, इस पर लीड लगाइए, देखो लीड लगाओ। ये जग कितने का है? 200 रुपये का है ये जग भी, जग या बॉटल में से एक कोई जग या अलग चीज है, बॉटल अलग है, जग अलग है। जग बॉटल का है भी, अच्छा बॉटल उधर है, दिखाइए सर एक बॉटल उठा के। ढक्कन प्लास्टिक का इस पर? हाँ, प्लास्टिक का। पानी ठंडा रहेगा इसमें? सवा लीटर की है ये पानी, सवा लीटर, सवा लीटर की, 150 रुपये। यहाँ मतलब कि गिर जाएगा, दोनों चीज़ें गिरेंगी। पैसे सही लगा दीजिए। ये चाय के लिए पैन है? हाँ, ये चाय का पैन कब दे? अब ये जो बॉटल्स ये देख रहे हैं, ये बॉटल्स हैं मिट्टी की। ये बहुत अच्छे अच्छे तरह तरह के बर्तन मैंने देखे आज, ये मिट्टी के, और ये बहुत अच्छे से इन्होंने पकाए हुए हैं कि इसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। ये बॉटल्स हम देख रहे हैं मिट्टी की, ये जैसे वही घड़े वाला काम करेगी। ये देखिए, मिट्टी का पूरा सेट है खाने का, जिस तरीके के हम डिनर सेट लेते हैं उसी तरीके का। और ये यहाँ पर मैंने कढ़ाई और पैन और कुल्हड़, ये मुझे बहुत पसंद आए तो मैंने ये लिया है यहाँ पर। और ये जो मिट्टी की, जब हम खाना इसमें बनाते हैं, स्टील का और कांच के तो हम लोगों ने बहुत यूज़ किए, लेकिन ये कुछ डिफरेंट है तो ये काफ़ी अच्छा है। हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मिट्टी में जब पक जाता है तो वो खा। अब ये आगे स्टॉल पे ये सब इन्होंने मुरब्बा, आंवले के बेल, आंवला जूस और ये सब आयुर्वेदिक चीज़ें हैं। ये बेल की मिठाई दिख रही है, उसके लड्डू बने हुए हैं, आंवला के बहुत सारे आइटम हैं इनके पास, अचार भी हैं। और ये सब अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, कोई मध्य प्रदेश से, कोई झांसी से है, सब अलग अलग जगह से आके इन्होंने यहाँ पे लखनऊ में स्टॉल लगाई हुई हैं। और ये मिठाई है आंवले की, बहुत अच्छी अट्रैक्टिव दिख रही है, लड्डू की शेप में इन्होंने आंवले को बनाया हुआ है। ये डिफरेंट डिफरेंट अचार हैं, बेल है, बेल बहुत अच्छा रहता है पेट के लिए भी, ये आंवला जूस और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। जड़ी बूटी होता है, क्या क्या है बताएं? ये होता है पत्थरचट्टा। अच्छा। हाँ, ये होता है बिदारी कंद। ये किस यूज में आता है? ये आता है ताकत के लिए, दवाई बनता है। अच्छा। ये सतावर होता है। अच्छा। ये गोखरू है। ये गोखरू, गोखरू वो सफेद मूसली होता है। अच्छा। ये अश्वगंधा होता है। अश्वगंधा। हाँ, ये क्या है? ये वही अश्वगंधा होता है। अच्छा। और ये अर्जुन छाल, ये हार्ट के लिए आता है।
यह कोच का बीज होता है। किसका? कोच, कोच का बीज, ये सफेद वाला, ये कोचा बाग बनता है दर्दों के लिए उसका। अच्छा, दवाई क्या होती है? ये देखो, काली मूसली, ये काली मूसली होता है। अच्छा, ये काली मूसली, हाँ ये होता है। ये बड़ा के काम आता है ये वाला? ये दवाई में आता काम, दवाई में। ये गोकरू होता है, स्टोन पत्री के लिए गोकरू। ये बड़ा गोकरू, ये छोटा गोकरू। अच्छा, हाँ। ये क्या है? ये फूल होता है। ये किस चीज के लिए काम आता है? ये आता है केसु का फूल, केसु का फूल बोलते हैं। ये आता है जो औरत के काम। अच्छा अच्छा अच्छा, ये पनीर का फूल शुगर के लिए। अच्छा, ये गुरमाण, ये किस लिए यूज होता है? शुगर के लिए, शुगर। गुरमाण, पनीर फूल, ये देखो, ये गुरुच, नीम गिलो, ये किस लिए यूज है? वही शुगर के। अच्छा अच्छा, और ये क्या है? जड़ भूमि होता है। ये मुलेटी, मीठी लकड़ी, मुलेटी जो बोल, गले के लिए मुलेटी। दवा तो सभी ये बना के रखे हैं, कमर का, जोड़ों का, दर्द का, गैस का, ये सभी। ये क्या चीज है ये? ये पहाड़ी इमली होता है। ये पहाड़ी इमली है, हाँ। इसका क्या यूज होता है? दवाई में पड़ता है भी? ये बालों के लिए आता है। बालों के लिए, बालों के लिए, ये देखो। तो ये होता है, सब दवाई होता है, बताने में सब बताएंगे वो, सब दवाई होता है। आपको दिक्कत क्या है उसके लिए बना के देते सब दवाई। कमर का, ये क्या चीज बताई आपने, काली वाली? वो होता है मरोड़ सेंग। अच्छा, बच्चे को बूटी मिला। अच्छा अच्छा, ये एमपी मध्य प्रदेश, ऊपर मध्य प्रदेश से आप लोग, खंडवा जिला। अच्छा, मैं लेके जाऊँ कोई दवा बना के दे दे बोलूँगे तो। ये वेट कम करने के लिए दूंगा जरा थोड़ा, ये मोटा पाके। यहाँ से ही मैडम? हाँ, यहीं से। इसका क्या होगा? प्रचार? हाँ, प्रचार के, प्रचार के, हाँ, प्रचार के। इसीलिए हमने पूछा आपसे कि लोगों को जिनको है वो सुन के आए। और आपके लिए एक आंधी दवा बना के दूंगा जरा बढ़िया, जोड़ कमर का दर्द के लिए। नहीं नहीं, भगवान की कृपा से ठीक है। कहाँ से आप लोग? कश्मीर से। ये क्या चीज है? अच्छा, वो है अंजीर होगा। ओके, एक बार मैं कहा नहीं पा रहा, धान रोपण के बाद जरूर मैं बोला। कागजी बादाम है ना ये वाली? जी जी, हां। ये प्रमुख अखरोट केसर, कल भी लगेगी ना आप लोग? जी जी, अकेले में हमारी अध्यक्ष तो कहते थे कि कभी ऐसी भी प्रदर्शन हर साल लगती है, लेकिन अच्छी स्टॉल्स लगी हुई हैं यहाँ पर। अभी कश्मीर के हमने ड्राई फ्रूट्स देखे थे, तो कश्मीर के ड्राई फ्रूट्स तो काफ़ी फेमस हैं। अब ये हम फिर आए हैं, ये कपड़ों की स्टॉल है। ये सब खादी ड्रेस मटेरियल है, और खादी काफ़ी अच्छी फाइन क्वालिटी है यहाँ खादी की। खादी बहुत ज़्यादा इन फैशन भी है। और ये टॉवल्स हैं खादी पे, बहुत सॉफ्ट टॉवल्स हैं ये, और छूने से बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि ऐसी खादी होगी। बहुत ही सॉफ्ट खादी है ये, और ये मैं छू के देख रही हूँ इसको, तो मुझे काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है इसका कपड़ा। अच्छे हैं मटेरियल यहाँ पर। ये खादी का वेस्ट है, और ये सब और भी काफ़ी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे खादी की। इसकी भी क्वालिटी अच्छी है। पीछे एक कुर्ता है खादी का, और ये सिल्क और खादी के सब साड़ीज़ की है स्टॉल। ये डिफरेंट डिफरेंट सिल्क मटेरियल है, अच्छे कलर्स हैं, कॉस्टली भी हैं यहाँ पे सिल्क। ये अच्छी हैं सब डिज़ाइन, कलर्स सब अच्छे हैं साड़ीज़ के। ये 3000 प्लस में हैं साड़ीज़ ये जो दिखा रहे हैं, और काफ़ी सिल्क तो खैर अच्छा है यहाँ पे साड़ीज़ का।
ये खादी सिल्क है, ये पिंक कलर में जो दिखा रहे हैं ये खादी सिल्क पर है। ये भी बाहर से आए हुए हैं और बाहर से आके लोगों ने अपनी स्टॉल्स को यहाँ पे लगाया है। और रात का टाइम है इसलिए भीड़, ठंड भी है तो इसलिए उतनी भीड़ नहीं है, लेकिन अदरवाइज़ भीड़ रहती है यहाँ पर। इसकी भी क्वालिटी देखिए काफ़ी अच्छी दिख रही है। ये सब फिर से खादी पे ही बेस्ड है यहाँ पर एग्जीबिशन मोस्टली। और कहीं यहाँ पे हमें ऊनी कपड़े वगैरह भी दिख रहे हैं, ब्लैंकेट्स वगैरह हैं। ये भी कपड़ों की स्टॉल है, इस पर भी देखिए सब साड़ीज की हैं। ये पश्चिम बंगाल से हैं और यहाँ पर काफ़ी अलग अलग ड्रेस मटेरियल है इनके पास, लेकिन साड़ीज ही हैं मोस्टली, सूट्स पीसेस नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर। तो जो साड़ीज पसंद करते हैं सिल्क पे और डिफरेंट मटेरियल्स पे तो यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं आके, ये देख सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा प्रिंट लग रहा है साड़ी का, और काफ़ी तरह की सिल्क पे ही हैं ये साड़ी, तो इनकी सिल्क और खादी मिक्स है। ये भी काफ़ी अच्छा प्रिंट है और ये 4000 प्लस में है साड़ी इनकी, ये देख सकते हैं। काफ़ी सारी यहाँ पर वैरायटी है साड़ीज की, तो जो साड़ीज पसंद करते हैं वो यहाँ पे विज़िट करें और अपनी पसंद के अनुसार देख सकते हैं। ये सब ड्रेस मटेरियल है, वही फिर खादी वाले हैं सारा। और आगे बढ़ते हैं हम, ये सब खादी पे ही है पूरा। ये सब ये भी टॉवल्स हैं, डिज़ाइन में अच्छी हैं ये भी क्वालिटी, छूने में काफ़ी सॉफ्ट है कपड़े, मुझे पसंद आ रहे हैं। खादी जैसे हम लोग पहले जैसे था मोटी या वैसा होगा वो चीज़ नहीं है, अच्छी फाइन क्वालिटी पे खादी है। और ये आजकल खादी के जो बास्केट या वेस्ट हैं वो भी काफ़ी फैशन में हैं, और खादी कुर्ताज भी, लेकिन मुझे यहाँ कुर्ताज ये स्टॉल हैं, ये भी सिल्क है, सिल्क खादी मिक्स, और ये भी सब खादी के ड्रेस मटेरियल्स आ गए वापस। ये सब साड़ीज हैं, मैं अपने लिए सूट देख रही थी पर मुझे यहाँ सूट कोई ऐसा दिखा नहीं। ये 3500 की साड़ी जो बताई इन्होंने, पर मुझे साड़ी तो नहीं लेनी थी आज, इसलिए मैंने कोई भी साड़ी नहीं ली है। हाँ मैंने रेट ज़रूर पूछे और अच्छी लगी है, हालांकि साड़ी मुझे पसंद आ रही थी ये येलो और पिंक शेड में। अब आगे बढ़ते हैं हम, और यहाँ एग्जीबिशन ज़्यादा दिन की नहीं है, ये केवल 3 दिन के लिए इन्होंने लगाई हुई है और आज पहला ही दिन है एग्जीबिशन का। और अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे स्टॉल्स हैं। अब हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगली स्टॉल पे। साड़ीज मैं देख तो रही हूँ पर मुझे लेनी नहीं है, मैं सूट के लिए सोच के आई थी कि अगर सूट मिलता है मुझे खादी हाउस में तो मैं सूट लूँगी।